सस्ते मकान का सपना देख रहे प्रदेशवासियों को हाउसिंग बोर्ड से निराशा हाथ लगी है। जी हां, गुरुवार को हुई बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया और अब मकानों को 45% तक सस्ता कराने के प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा और वहां से इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। दरअसल बोर्ड को 6,800 मकानों को सस्ता कराने के प्रस्ताव मिले थे और उधर बैठक में हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों को डिफॉल्टर स्कोर बेदखली करने के अधिकार और अवैध निर्माण में स्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया और अब यह प्रस्ताव भी सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव UDH भास्कर एस सावंत और हाउसिंग बोर्ड आयुक्त सुधीर कुमार सहित आवासन मंडल के कई अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 237वीं बैठक संपन्न हो गई है। इसमें बहुत सारे रेगुलर एजेंडा थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एजेंडा थे उसमें ये देखा गया कि बोर्ड के पास लगभग 3,000 करोड़ के हाउस की इन्वेंट्री पड़ी है और इसका सेल का जो रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है और इसमें कोई सब्सटेंशियल इंटरवेंशन जब तक नहीं करते तब तक ये इन्वेंट्री निकलेगी नहीं और ये बोर्ड के पूरे फाइनेंसेस पे कुप्रभाव डाल सकता है ये इन्वेंट्री अगर रुकी पड़ी तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सरसाइज पिछले तीन चार महीने से हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर्स के माध्यम से हमने करवाया था और ये इन्वेंट्री निकालने के लिए बहुत ही वेल वर्कड आउट रिबेट के प्रपोजल बनवाए हैं, क्योंकि रिबेट के प्रपोजल अक्रॉस द राजस्थान और बृहद रूप में दिए जा रहे हैं, तो ये प्रपोजल जो है गवर्नमेंट को हम रेफर करवा के फाइनली वहां से अप्रूवल ले लेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।